हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले, जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आंसर जो है हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस चैप्टर के, और इसी के हम अभी लास्ट स्लाइड पे आ चुके हैं। इट मीन्स हम इसका लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है और हमें करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले बोला गया कि आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन सबको सॉल्व करना है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले फर्स्ट से। अब देखो फर्स्ट में हमें यहां पर क्या दिया गया है, हमसे बोला गया कि एक साइक्लो कंपाउंड है और यहां पर बीआर, तो जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पे वन ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन की हमारी बात हो रही है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एमजी मेटल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब बेटा ध्यान से समझने वाली ये चीज है कि जब आप एमजी मेटल के साथ में इसकी रिएक्शन कर रहे हो, मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन रहा है। क्या हो रहा है, ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है, मैं यहां पर लिखकर बताती हूँ, आर एम जी एक्स से बनता है। तो आर वाला ये चेन है, तो मैं इस चेन को इस तरीके से लिखूंगी। ये जो हमारा दिया गया है कार्बन कंपाउंड, ये आर बन गया है, फिर हम यहां पर एम जी लगाएंगे, और जो बी आर जो हमें दिया है वो है हमारे पास में, यहां पर बी आर हमने ले लिया। तो ये जो कंपाउंड बना है हमारा, ये है आपका कंपाउंड ए। ठीक है, हमने यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, ध्यान से समझिए। फिर जब हम एमजीबीआर में वाटर मॉलिक्यूल का कभी भी कांटेक्ट में आ जाता है ना, समझो इस चीज को, वाटर मॉलिक्यूल का जब भी एमजीबीआर कांटेक्ट में आता है तो हमें पता है कि वो किस में कन्वर्ट कर लेता है, एल्केन में कन्वर्ट कर लेता है उसको। और इसीलिए जब भी हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज करते हैं, हम उसको पानी से बहुत बचाते हैं। अब देखो कैसे यूज होगा, ये कैसे होगा, देखो ये हो गया, अब इसमें हम यहाँ पे एक H लगा देते हैं, मतलब ये है। और इसमें बाई प्रोडक्ट भी मैं आपको बता देती हूँ, है ना, बाई प्रोडक्ट क्या होता है इसमें, एम जी और ये बी आर और ये ओ एच, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल में से एक एच यहां लग गया और ये चली। अब इसके नेम्स लिख लेते हैं, नेम में हम क्या लिखेंगे, देखो नेम जो है इसका वो है यहाँ पे, ये हो गया हमारा वन ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, ये था हमारा कंपाउंड। इससे जो हमने बनाया है ये बन गया है, जिसको हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट को जनरली हम कहते हैं अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इसका नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फिर इससे एल्केन बना है जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या बना है, एल्केन साइक्लोहेक्सेन। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम, जब भी हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात करते हैं तब ये ड्राई इथर में उसमें मॉइस्चर कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर मॉइस्चर होता है तो फिर एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। आगे में ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इन्होंने क्या कहा कि एक आर बी आर लिया है हमने, है ना, ये आर बी आर लिया हमने। अब हम आर बी आर लिया है तो आर तो अभी हमें नहीं पता कि क्या है, प्लस मैग्नीशियम, फिर भी रिएक्शन उसकी मैग्नीशियम की ही चल रही है ना। और ये मैग्नीशियम में फिर हम कह रहे हैं कि हमने इसमें फिर से क्या किया है, ड्राई इथर लिया है ना, मैग्नीशियम की रिएक्शन चल रही है। और एक हमारे पास में यहां पर कंपाउंड बनेगा, वो रहेगा सी। अभी हम देखते हैं, अभी हमें नहीं पता कौन सा कंपाउंड है। और जब इसकी वॉटर के साथ में रिएक्शन हो रही है तब ये बना रहे हैं CH3CH CH3। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कैसे क्रिएट किया इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने H2O की जगह क्या लिख दिया है, D2O लिख दिया है। और यहाँ पर D मतलब हम कहते हैं H यहाँ हुआ है। और अभी हमने देखा है कि H अल्केन में कन्वर्ट होता है जब भी पानी के कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये वाला ग्रुप हो जाएगा हमारा R। अगर ये R होता है तो हम यहाँ पे कंपाउंड कैसे लिखेंगे, CH3, ये फिर CH3, और ये बन जाएगा यहाँ पे क्या MgBr बन रहा है, तो ये MgBr। या फिर इसी कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3C, मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ CH3, और एक ये H, और ये बन जाएगा MgBr। ये बन गया अपना हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब देखो R की जगह आप ये लिख लो, R क्या हुआ फिर हमारा R,
आर की जगह जो हमने लिखा है वो हो जाएगा, देखिए आर की जगह हमने लिखा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री बी आर, ठीक है, ये होता है हमारा R। तो अभी देखो हमें यहाँ पर किस किस के क्वेश्चन मिले, ये जो है हमारा, ये जो बना है ये है हमारा R, ये कंपाउंड या फिर ये कंपाउंड हुआ हमारा C। तो अभी तक हमने देखो A का आंसर ढूंढ लिया, B का आंसर ढूंढा है, C का आंसर भी हमने ढूंढ लिया है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट में क्या कहा गया है हमसे, हमें एक कंपाउंड दिया गया है, देखो ध्यान से, ये दिया लिखा है यहाँ पे सी एच थ्री, फिर यहाँ पर सी एच थ्री सी एच थ्री, और फिर यहाँ पे फिर से सी एच थ्री और सी एच थ्री, और हमसे बोला गया है कि ये प्रोडक्ट है जब एन ए की रिएक्शन होती है इथर के साथ में, मतलब ये लोग बात कर रहे हैं वुड्स रिएक्शन की, किसकी बात कर रहे हैं, वुड्स रिएक्शन की। अब वुड्स रिएक्शन में तो हमें पता है कि दो मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं और वो दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब मैं इनको यहां से ब्रेक कर देती हूं, अगर ये मेरे मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए तो मेरे पास में ये बच जाता है सी एच थ्री, और फिर यहां पर आ जाएगा सी एच थ्री, और इसके साथ में ये एक्स, एक्स मतलब ऑलरेडी हमने ऊपर भी क्या यूज किया है बी आर, तो अब इसको एक्स ले लो, एक्स तो वैसे भी हमसे पूछा नहीं गया है, हम एक्स लिखा हुआ है तो एक्स ही लेंगे। अब इसकी रिएक्शन फिर से की जा रही है मैग्नीशियम के साथ में, तो हमारे पास प्रोडक्ट होगा सी एच थ्री सी सी एच थ्री, और फिर यहां पर आ जाएगा सी एच थ्री, और ये क्या बन जाएगा एम जी एक्स, और फिर हम उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो हम फिर उसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहे हैं, और वाटर के साथ करवा रहे हैं मतलब यहाँ पे एच आ जाएगा, देखो यहाँ पे सी एच थ्री, और हमने इतने देर से हम बार 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 यही पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे क्या आ जाता है, एच आ जाता है। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं कि यहाँ पर देखो ये सभी पूरी जो रिएक्शन है ये किसके ऊपर बेसिस है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर बेसिस है। तो हमने E कैलकुलेट किया, हमने D कैलकुलेट किया, R डैश और R भी किया है। ये है हमारा R डैश, कौन सा हो गया हमारा, ये कंपाउंड जो है हमारा, ये है हमारा R डैश, और मैंने इसके पहले आपको इन सभी के आंसर्स अच्छे से समझा दिए हैं। सो आई होप आप सबको मैंने आज की क्लास में जो भी समझाया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर कोई और भी टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, आप मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।